हेलो व्यूअर्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी श्रिम्प यानी कि चिंगरी मछली। तो श्रिम्प टोस्टेड ब्रेड पकोड़ा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, वो भी चीज़ के साथ, क्योंकि ये सब तो बच्चे खाना बहुत पसंद करते हैं। और मैं तो ब्रेड को अगर मैं डीप फ्राई भी करूंगी ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं। एक तो ब्रेड है, उस पर से ऑयल, तो क्या होता है, ब्रेड ऑयल को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, वो बच्चों के लिए हेल्दी नहीं होता है। तो इसलिए मैं कम से कम तेल में यूज़ करके एक हेल्दी नाश्ता तैयार करूंगी। तो चलिए हम लोग बनाते हैं स्टीम ब्रेड पकौड़ा विद चीज़। तो जिसके लिए मुझे ज़रूरत है, ये कुछ ब्रेड, में ये ब्राउन ब्रेड ली हुई हूँ, तो इस तरह से मैं काट ली हूँ ब्रेड। और उसके बाद मैं थोड़ा सॉस ली हुई हूँ, और सॉल्ट है, टर्मरिक है। देन मैं ये श्रिम्प को ऑलरेडी फ्राई करके रखी हुई हूँ। ये चीज को मैं कट करके पीसेस में रखी हुई हूँ। ये वन मीडियम साइज का ऑनियन, इस तरह से देखिए मैं छोटे छोटे काट के रखी हूँ। वन चिली, टू पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो जो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। और हाफ स्पून मैं टर्मरिक पाउडर ली हुई हूँ, और थोड़ा सा बेसन ली हुई हूँ। तो ये किस तरह से मैं बेसन ली हुई हूँ। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो बनाने के लिए पहले क्या करेंगे कि इसमें ये जो स्मैश पोटैटो है हमारा, इसमें हम लोग ये सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि इसे फ्राई करने में इजी हो जाए। तो ये हमारा मिक्स हो चुका है, तो अब हम लोग इसे फ्राई करते हैं। तो चलिए इसे फ्राई करने के लिए पहले एक कढ़ाई लेते हैं, और फिर उसमें इसे फ्राई करने करते हैं। तो चलिए पहले आलू को फ्राई कर लेते हैं। तो ये आलू फ्राई करने के लिए मैं कढ़ाई ली हूँ, और इसी स्पून से 2 स्पून मैं तेल ली हूँ, ताकि मतलब आलू को फ्राई कर सके। तो अब इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं, और एक साइड तवा भी गर्म कर लेते हैं, क्योंकि जो हम लोग ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे ना, वो टोस्ट किया हुआ ब्रेड से बनाएंगे, क्योंकि टोस्ट किए हुए ब्रेड पकौड़ा का टेस्ट जो है ना, वो अलग होता है। तो ये देखिए, ये तेल बहुत अच्छा से गर्म हो गया है, और अब इसमें पहले हम लोग जो चॉप्ड ऑनियन ली हो, वो ऑनियन को डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारा जो पैन है वो गर्म हो गया है, तो क्या करते हैं इसे ब्रेड को इस तरह से रख के टोस्ट कर लेते हैं थोड़ा। एक्चुअली मैं इसे टोस्ट इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि ब्रेड जब हम लोग फ्राई करते हैं, तो जब बेसन का कोटिंग पड़ता है, तो वो अंदर तक फ्राई नहीं होता है, तो खाने में थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है। तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा टोस्ट कर लेती हूँ। और ये देखिए, ये हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें हम लोग पोटैटो, जो बॉयल पोटैटो है, वो ले लेती हूँ, डाल देती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा ले ली हूँ पोटैटो, और अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो ये फ्राई हो गया है, और अब इसमें वो जो श्रिम्प मैं फ्राई करके रखी थी, उसे डाल दूंगी। और अब फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो ये हमारा हो गया है फ्राई, और मिक्स भी हो गया है श्रिम्प और आलू अच्छे से। तो गैस को ऑफ कर देती हूँ, और इसे एक प्लेट में साइड कर लेती हूँ। और इधर देखिए, इधर हमारा ब्रेड भी जो है, वो अच्छे से टोस्ट हो गया है। ये देखिए कितने अच्छे कलर आ रहे हैं।
तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये ब्रेड भी जो है वो अच्छे से रोस्ट हो चुका है, ये देखिए। तो इसे भी हम प्लेट में निकाल के एक साइड कर लेते हैं। और तब तक हम लोग क्या करते हैं कि ये जो बेसन में ली हूँ इसको, इसकी जो बैटर है वो रेडी कर लेते हैं। तो इसे, इसके लिए मैं ये बेसन ली हूँ 1 कप, और उसमें ये 1 स्पून नहीं 1/2 स्पून मैं सॉल्ट ली हूँ, ये थोड़ा सा 1 पिंच ये ली हूँ टर्मरिक पाउडर, और इसे अब मिक्स कर लेती हूँ। और इसमें मैं पिंच ऑफ वो खाने का बेकिंग सोडा जो होता है वो पिंच ऑफ बेकिंग सोडा मिक्स की हूँ, और ये थोड़े से कलौंजी में डाल देती हूँ। और अब इसे मिक्स करके अब इसमें पानी डाल के थोड़े बैटर को रेडी कर लो। तो ये देखिए इस तरह से मैं बैटर बनाई हूँ। थोड़ा सा डेंसिटी इसका मोटा है तो इसे और थोड़ा सा पानी देके मैं इसे पतला कर लेती हूँ, ये देखिए। तो इस तरह फ्राइड आलू को मैं इस तरह से गोले गोले बना ली हूँ। और अब जो ब्रेड टोस्ट की हूँ तो इस तरह से मैं इसमें सॉस लगा ले रही हूँ। सभी ब्रेड में सॉस लगा लेते हैं। इस तरह से मैं सभी ब्रेड में सॉस लगा ली हूँ। तो मेरे पास सॉस है तो मैं सॉस का यूज की हूँ। अगर आपके पास कुछ और है जैसे ग्रीन चटनी हुआ या फिर फन फूड जो भी है आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। अब इस तरह से मैं ये जो आलू और श्रिम के जो गोले बनाई हूँ उसे इस ब्रेड पे रख देना है, ये देखिए इस तरह से मैं रखी हूँ। इसे अच्छे से रखना है कि बाहर ना निकले। और अब इसमें ये चीज ले रही हूं, तो मैं तो बच्चों को दूंगी तो इसलिए मैं चीज का ज्यादा इस्तेमाल नहीं की हूं। मैं चीज को कट करके इस तरह से दी हूं। और आप लोग अगर चाहें तो आप एक चीज भी यूज कर सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप चीज को कितना यूज कर रहे हैं। ये देखिए ये दूसरी साइड भी ब्रेड में मैं लगा दी हूँ सॉस को, और अब इस तरह से इसे पैक कर दी हूँ। पैक करने के बाद हमारा जितना जो एक्स्ट्रा मतलब स्टफ है वो बाहर आ जाएगा, तो इसे हम लोग इस तरह से ले लेंगे। तो हम लोग इस तरह से सभी ब्रेड को करके रख लेते हैं। तो ये देखिए ये दूसरे ब्रेड पे भी मैं इसी प्रोसेस को रिपीट की हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से जितने भी आप लोग ब्रेड लिए हैं तो इस तरह से आप लोग प्रोसेस को रिपीट करके सारे ब्रेड पे कर लीजिएगा। ये देखिए अब दूसरा भी मैं चीज लेती हूँ, तो इस तरह से मेरा दूसरा भी जो ब्रेड है वो रेडी कर ली हूँ। ये देखिए तो हल्का प्रेस कीजिएगा तो जो एक्स्ट्रा स्टफ है वो वाला निकल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने सभी जो जितने भी आप ब्रेड लिए हैं सभी को इसी प्रोसेस से कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पकोड़ा बनाते हैं। तो इसके लिए पहले मैं पैन को गर्म की हूँ, तो मैं यहाँ पे सेलो फ्राई करूंगी। अगर आप लोग चाहते हैं इसे डीप फ्राई करना तो आप लोग भी इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, पर मैं डीप फ्राई ना करके मैं इसे सेलो फ्राई करूंगी। तो ये मेरा पैन गर्म हो गया है और अब इस पे 2 स्पून तेल थोड़ा डाल दूंगी और इसे इस तरह से मिक्स कर लूंगी पूरा।
अभी ये जो ब्रेड जो है उसे इस तरह से पूरा बेसन के जो मैं कोटिंग है वो हम लोग कोटिंग दे देंगे। तो ये ब्रेड कोट हो गया है और हमारा तवा भी जो है वो गर्म हो गया है, तो अब इसे तवे पे इस तरीके से रख देंगे। ये देखिए, तो मेरे तवे में थोड़ा स्पेस है तो मैं दूसरा भी ले लेती हूँ। तो ये हमारा एक साइड से हो गया है और अब इसे फ्लिप कर देते हैं। ये अच्छे से फ्लिप करना है और इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो इस तरह से हम लोग फ्लिप करके चारों साइड से इसे सेक लेंगे अच्छे से। देखिए इस तरह से चारों साइड से फ्लिप करके इसे सेक लेंगे ताकि जो बेसन है वो कच्चा ना रह जाए। तो ये हमारा हो गया है, अब चलिए इसे हम लोग प्लेट में निकाल लेते हैं। नाउ इट्स डन। तो ये देखिए, ये मैं आप लोग को कट करके दिखा रही हूँ, ये कितने अच्छे से अंदर से पक चुके हैं और इसके लेयर भी देखिए। तो मैं यहाँ पे चीज़ कम यूज़ की हूँ, आप लोग चाहें तो ज़्यादा भी अपने अकॉर्डिंग चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।